हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहां पर मैं सीएसईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाला हूं, और आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएसआर नेट में आए हुए हैं लगभग 10 से 11 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ताकि आपको एक बार समझ में आए कि किस लेवल पे सीएसआर नेट के क्वेश्चन बनते हैं। सुन, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द एडिट टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर 983713 एंड 983719। इस नंबर के प्रोडक्ट में क्या ऐसा ऐड कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसके मिड नंबर को पकड़ लीजिए, 13 और 19 का जो बीच का नंबर होगा वो होता है 16, राइट, है ना। इसका मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं। सुन, जब मैं इसको ऐसा लिखूंगा 983716 माइनस 3 कर दीजिए आप तो ये आ जाएगा, राइट, एंड 983716 में 3 ऐड कर दीजिए तो भैया अल्टीमेटली जब ऐसा करेंगे तो इसका प्रोडक्ट ही आएगा, राइट। अब हम लिखेंगे इसको a प्लस a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 983716 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, देने आएगा 983716 का होल स्क्वायर माइनस का 9। तो आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी द एडिट टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे 9 अगर ऐड कर दूं इसके प्रोडक्ट में तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, यहाँ पे 9 माइनस करने पर हमारे पास आ रहा है, तो हम यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो ए ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एन इज अ टू डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू देयर सम इक्वल्स टू एन, द डिजिट ऑफ एन वुड बी। आपसे पूछा रहा है कि यूनिट डिजिट एन का क्या होगा। तो हमारे पास जो टू डिजिट नंबर होता है वो एक्स वाई टाइप का होता है, राइट, पर एक्चुअली इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 10x प्लस वाई, राइट। एक्चुअली नंबर ऐसा होता है हमारे पास, जैसे मैं बोलूं 56 है तो क्या लिखोगे, 10 × 5 प्लस 6, राइट, तभी तो 56 बनेगा, है ना। पर जो नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इज अ टू डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, इसके प्रोडक्ट, एंड व्हेन एडेड टू देयर सम, अगर इसके सम के साथ एड कर दिया जाए, राइट, है ना, इज इक्वल टू एन, तो वो इसके बराबर हो जाएगा, क्लियर है, वो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा रहा है कि यूनिट डिजिट मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्या करेंगे हम यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स वाई एंड वाई से वाई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से आप देखोगे 10x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यार यहाँ पे हम करेंगे तो ये एक्स वाई माइनस का 9x इज इक्वल टू जीरो होगा, तो आप x कॉमन निकाल दीजिए तो y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सुन, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 9, और हमसे y की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 9 जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। नेक्स्ट सुन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर थ्री डिजिट नंबर डिस्टिंक्ट नंबर इफ दे आर एडिट एज बिलो, अगर इस तरह से हम इसको एड कर दें, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सी 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 हमारे पास ऐसा एलिमेंट है, है ना, और यहां पे हमारे पास सी सी आ रहा है, क्लियर है। अब हमारे पास ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मान लीजिए हमने 1 लिया, है ना, अगर 1 लिया तो हम जानते हैं 1 1 1 लें तो ऑब्वियसली ये वापस 1 1 को ऐड करने पर 1 तो आता नहीं, तो यार ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर हम 5 लें तो यार 5 5 5 को ऐड करेंगे 15 15 का 5, ये से आ सकता है और ये आ सकता है और ये भी आ सकता है, पर 3 लें हम तो 3 3 3 9, और 9 तो यार 9 तो आएगा नहीं, तो ये भी गलत। अब दो ऑप्शन तो हमने डिस्कार्ड कर दिए यहाँ पे, राइट। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन के बारे में। चलो एक काम करते हैं, इस नंबर को पकड़ लेते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, पकड़ लेता हूँ 3 4 5 3 4 5 एंड 3 4 5, तो भाई साहब क्या आना चाहिए, 5 5 5 आना चाहिए। अगर आप ये वाला डी ऑप्शन लें तो ये आएगा 1 8 5 1 8 5 1 8 5, तो क्या आना चाहिए, 5 5 5 आना चाहिए। भाई साहब कौन सा सही सामने दिख रहा है, अरे गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि 1 8 5 1 8 5 1 8 5 तीन बार ऐड करेंगे तो 5 5 5 आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसने बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर सम देन व्हाट वुड बी द सम ऑफ देयर स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है कि तीन नंबर जो है कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उसका जो प्रोडक्ट है वो उसके सम के बराबर है, है ना। तो ऑब्वियसली हमारे पास वो नंबर ऐसे ही होता है 1 2 3, आप देख रहे हो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी 6 आएगा। ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि तीनों का सम 6 आ रहा, तीनों का प्रोडक्ट 6 आ रहा है ना, और एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, है ना। देन आपसे पूछा रहा है कि देन व्हाट वुड बी द सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो ये बोलेंगे हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 9, तो भैया हमारे पास 14 आ जाएगा, तो ये आएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर इससे आगे और भी तो बड़े नंबर हो सकते हैं जिसमें ऐसा हो रहा हो, तो यार भैया आप लेके देख लो, क्योंकि बड़ा नंबर लोगे भी तो तीनों का स्क्वायर तो भाई इससे छोटा ही हो भाई। अगर आपने मान लीजिए बड़ा नंबर ले लिया तो यार ये 9 14 16 24 से बड़ा तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है,
तो लेके कर गया लोगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे सुन नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुन अगला क्वेश्चन देखिए आप, NET 14 एंड NET 15 आर द फाइव डिजिट नंबर सच दैट द सम इज 1572229। देन आपसे पूछा जा रहा है कि एन प्लस ई प्लस टी की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपसे यह बोला जा रहा है कि NET 14 एंड NET 15 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, 29 लास्ट में आ रहा है और ये हमारे पास दे रखा है 1572। तो भाई साहब इन दोनों को जोड़ने पर 29 आ रहा, पर NET जोड़ने को और 1572 आ रहा, मतलब यहाँ पे इन दोनों को जोड़े मतलब 2 NET कर रहे हैं भाई साहब हम, तो ये आएगा 1572। तो मतलब एक NET की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1572 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 7 एंड एक बचा एंड ये आएगा 8 एंड एक बचा तो 6, तो 786 आ रहा, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है, e की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है और t की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। जब इन सबको जोड़ेंगे हम तो यार आएगा 7 और 8 15 और 6 21, तो यार इन तीनों का जोड़ हमारे पास 21 आएगा। बी ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। इस नेक्स्ट देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्लोजेस्ट टू द नंबर इटसेल्फ, मतलब एक नंबर ऐसा जिसका स्क्वायर रूट ले तो वो उस खुद के बराबर आ जाए, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या होता है, वन ही होता है, क्योंकि वन का अगर हम स्क्वायर रूट ले तो यार वन ही आता है, क्लियर है, और वन के क्लोजेस्ट हमारे पास 0.99 आएगा, तो यार सिंपल है, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको कर सकते। सो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, इफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर प्राइम नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सच एंगल। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं सुनिया पे कि टोटल जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना, और अगर तीन प्राइम नंबर को हम ऐड करें चूंकि ये इवन होता है तो अंडरस्टूड है कि एक हमारे पास इवन प्राइम नंबर होना जरूरी है, तभी हमारे पास इसका एंगल 180 डिग्री आएगा, मतलब 2 डिग्री तो कंफर्म है, 2 डिग्री तो कंफर्म है, राइट, है ना, मतलब एक एंगल तो 2 डिग्री का हो गया होगा, राइट। अब बात करें कि अगर 89 डिग्री लें, अगर आप 89 डिग्री लें तो यार हमारे पास दूसरा एंगल भी क्या आएगा, 89 डिग्री ही आएगा, राइट, है ना, तो यार 89 डिग्री हमारे पास ऑप्शन बन सकता है, क्लियर है। अगर आपसे बोला जाए कि एक अगर मैं 2 डिग्री ले लूं तो दूसरा अगर मैं 79 डिग्री ले लूं तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, 99 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है, तो ये भी हमारे पास 180 डिग्री हो सकता है, तो यार हमारे पास ये दोनों पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, पर 99 डिग्रीज इज नॉट प्राइम नंबर, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ राइट कॉम्बिनेशन, राइट। अगर हम बात करें 2 डिग्री ले और ये हमारे पास 59 डिग्री ले ले तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, सुनिए यहाँ पे 59 तो ये 109 हो जाएगा और 119 हो जाएगा, राइट, 119 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता है, दिस इज नॉट प्राइम नंबर क्योंकि इसको डिवाइड करता है, क्योंकि 17 इसको डिवाइड करता है, तो यार ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो सुन नेक्स्ट, अगर हम 29 डिग्री लें तो हमारे पास आएगा 2 डिग्री प्लस 29 डिग्री, तो यार ये हमारे पास 149 डिग्री आएगा, और 149 डिग्री भी हमारे पास कॉम्बिनेशन में हो सकता है, तो यार हमारे पास यहाँ पे दो आंसर होंगे, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, क्योंकि 149 डिग्री भी हमारे पास राइट ऑप्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन हमारे पास राइट थे, मतलब ये भी थे और ये भी था। नेक्स्ट लेते हैं सुन अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है यहाँ पे कि द मार्क्स आउट ऑफ 30 ऑफ 7 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर 4, 15, 6, 7, 5 ए एंड बी, विच ऑफ वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी इज प्राइम, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स। तो सुन यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मार्क्स आउट ऑफ 30 ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर 4, 15, 6, 7, 5 एंड ए एंड बी, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी इज प्राइम नंबर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ मार्क्स। तो सुन मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम बी प्राइम नंबर ले लेते, तो मान लीजिए बी को मैं 2 ले लेता हूँ, है ना, जो कि लिस्ट प्राइम नंबर है, राइट, एंड अगर मैं ए को सबसे बड़ा, क्योंकि आपको मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है, तो मैं ए को लेता हूँ 4 का जो मैक्सिमम मल्टीपल होगा, क्योंकि मैक्सिमम 30 है, 30 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो 30 से छोटा और 4 का मल्टीपल हमारे पास कितना होता है सुन, 28 होता है, तो सुन ये हमारे पास ए हो जाएगा और इसका जो डिफरेंस लेंगे तो 26 आएगा, सो बी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द नंबर ऑफ डिजिट यू हैव टू टाइप ऑल द पेजेस फ्रॉम अ बुक स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 1 इज 2019, मतलब हमारे पास 2019 टोटल हमने टाइप किए हैं पेज नंबर, है ना, तो आपको ये पता लगाना है कि बुक के एग्जैक्टली पेज कितने होंगे। क्वेश्चन बात करते हैं 1 से लेकर 9 तक हमारे पास 9 डिजिट होता है, 9 हम टाइप करते हैं, एक एक हर एक पेज पे एक एक टाइप करेंगे, एंड 10 से लेकर 99 तक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, 2 बार टाइप करेंगे, राइट, और ये 90 पेज होते हैं, तो यार 90 × क्या आ जाएगा 2, तो हम जानते हैं 180 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, 180 हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी नंबर होंगे, मतलब 100 से लेके जितने भी हमारे पास नंबर होंगे उन सब पे 3 डिजिट आएगा, राइट, तो एक काम करते हैं पहले इन दोनों को निपटा देते हैं, क्योंकि उसके बाद जितने भी आएंगे वो अल्टीमेटली 2019 है, तो उसके बाद हमारे पास मतलब 100 से लेके 999 तक जितने भी हमारे पास बुक पेज नंबर आएंगे उस पर हर एक पे 3 डिजिट ही जाएगा, राइट,
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार इनको माइनस कर देते तो 180 और 9, तो 189 और 2019 में से 189 अगर हमने माइनस किए तो सुनिए आएगा 0, ये आएगा हमारे पास 3 एंड आई थिंक ये आएगा 20 और 19 एक 18, तो 1830 आएगा राइट। तो उसके बाद हमारे पास जितने भी आएंगे 1830 आएगा, पर हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास पेजेस आते हैं उन सब में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, थ्री डिजिट टाइप होता है राइट। क्योंकि जैसे ही हमारे पास 100 पेज के बाद, मतलब जैसे 99 के पेज जैसे 100 स्टार्ट होगा तो हर एक पे हम थ्री डिजिट टाइप करेंगे राइट। और टोटल हम एक 1830 टाइप कर रहे हैं क्योंकि ये तो हमने निपटा दिया, अब 1830 और टाइप कर रहे हैं तो हम कितने पेज होंगे ये पता कर सकते हैं। तो इसमें इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 610, तो टोटल 610 पेज होंगे और 610 में ये 99 पेज को क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए। तो 610 में अगर आप 99 पेज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 709। तो हमारे पास टोटल 610 पेज हो रहे हैं, 610 पेज में ये 99 पेज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल 709 पेजेस आ जाएंगे। सो सी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, मतलब है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर, तो कौन सा प्राइम नंबर है। तो सुन हम देख रहे हैं यार ये हमारे पास क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल है क्योंकि जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 और 1 12, 12 है तो 3 से डिविजिबल है। इसमें इसकी बात करेंगे तो 11 से डिविजिबल हो रहा है, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। बात होती है इन दोनों के अंदर, तो यार हम जानते हैं कि ये हमारे पास होता है 101 इंटू 101 राइट, है ना, इन दोनों को सम करके बीच में आ जाता है और ये हमारे पास 10201 हो जाता है। तो यार ये हमारे पास 100 इंटू 101 का स्क्वायर होता है, तो यार हमारे पास जो प्राइम नंबर होगा वो 157 ही होगा यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज सेम एज 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 एंड दिस आर द वैल्यूज ऑफ दिस। तो आपको पता लगना है इसका राइट ऑप्शन क्या है और उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा ये भी मुझे बताइए। और उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज है आपके लिए कितनी हेल्पफुल है और कैसा आपको लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए सो दैट कि मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ। और मेरी जो CSI नेट पे मैंने काफ़ी सारे जनरल एप्टीट्यूड पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। मेरा नया चैनल है इसको यहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।